अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। भाई बिलाल सईद का नया गाना आ चुका है और इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोग सब पहले से ही जानते होंगे। इसके बारे में हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम इस गाने को चेक करते हैं कि गाना कैसा है। और खास तौर पे सबा कमर की प्रोडक्शन है ये, तो देखते हैं कुछ नया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसी वीडियो है और गाना कैसा है। तो गाइस आपको लेकर चलते हैं गाने की तरफ, देखते हैं कि ये गाना कैसा, और आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसे। 1-2 रिकॉर्ड्स बिलाल सईद एंड सबा कमर। डायरेक्टेड बाय सबा कमर। मेरे कोल बैठा होवे पर दूर सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। ओ छोटी छोटी गल्लां उत्ते लड़ने फजूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। अच्छा, बिलाल सईद ने पूरा जो निकाह का सीन है वो सारा ही इसके अंदर से डिलीट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है एक स्टार के लिए। और उसने जो है ना सॉरी का मतलब वीडियो भी अपलोड किया है, सबसे जो है ना माफी मांगी है इस चीज की जो उन्होंने ये वीडियो में। अच्छा, बिलाल सईद के गानों का म्यूजिक मतलब नॉर्मली डिफरेंट होता है सारे जो है ना उनका साढ़े ते चढ़ाइया वे तू करे आना कर, डरे आना कर वे तू डरे आना। सबा कमर नाराज हुई पड़ी है और वो बस उसको मना ही रहा है। काफी सिंपल सी स्टोरी लग रही है, मतलब एक नॉर्मल जिस तरह आपके एक घर के अंदर आपको ये नॉर्मल मतलब चीजें जो है ना होते हुए देखेंगे, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें हो रही है, बहुत चीज दिखाई। और अच्छी लगती है मुझे ये चीज, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडर्निज्म और ये चीजें एक्स्ट्रा नहीं दिखाते, एक नॉर्मल जिंदगी को भी जो है ना दिखाया गया है इस वीडियो में। बड़ी बात है कि बिलाल सईद अपने सॉन्ग्स के अंदर कोई एक्टर नहीं लेते, मतलब खुद ही एक्ट करते हैं और सिंगिंग भी खुद ही करते हैं। एक्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन एक्टर जो है वो हमेशा खुद ही होते हैं। मेरे दिल दी पीड़ा दी तू खबर भी लेंदा नहीं, राह भुल के जे आ जाने फिर सब्र भी लेंदा नहीं। अंदर से लड़कियां लड़के चाहे आपस में जितना मर्जी नाराज होते हैं, लड़कियों को अंदर से वो जरूर आता है कि यार काफी हमें मना ले और हम मान गए। सरप्राइज पे वो राजी हो गई, खुशी हो गई और सारी लड़ाई झगड़ा खत्म। तो ओवरऑल जो है वो गाना काफी अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा है, काफी काफी अच्छा लगा है और वीडियो भी अच्छी थी।
वीडियो की बात अगर की जाए तो पहले ये स्टोरीज हम पहले देख भी चुके हैं वैसे. हाँ. इंडियन जो सॉन्ग्स होते हैं या पाकिस्तानी भी कुछ सॉन्ग्स हैं जिनमें ये स्टोरी दिखाई जा चुकी है, लेकिन इतने सिंपल वे में नहीं थी कोई भी स्टोरी जो है वो, बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाई गई कि मतलब एक घर का बंदा जो है वो रिलेट कर सकता है स्टोरी के साथ. हाँ, नॉर्मल लाइफ आम रूटीन में जो चीजें हो रही होती हैं, बस इस वीडियो में वो जो है ना कैप्चर करके आपको थोड़ा सा दिखा दिया गया है. और बहुत सिंपल से ड्रेसेस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने नहीं दिखाया कि खर्चा किया हुआ है, सिंपल सा घर दिखाया हुआ है और सिंपल सा वो जो रास्ता जिस रास्ते से गुजर के आए थे वो भी सिंपल सा दिखाया गया. तो कोई मतलब वीडियो भी बहुत अच्छी थी, सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, सिंगर्स भी बहुत अच्छे थे, एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे थे. अच्छा, और सेकेंडली हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं इस हवाले से जो क्या कहते हैं मस्जिद का कंट्रोवर्सी जो है वो चली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बिलाल सईद को मेरा ख्याल है हम लोगों को इस बात पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छे इंसान होने के नाते जो है वो एक तो अपोलोजाइज भी किया है और साथ ही साथ जो वीडियो का वो पार्ट जो निकाह वाला पार्ट था उसको डिलीट भी कर दिया. लेकिन इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्या कहते हैं मस्जिदों को जो हमने नॉर्मलाइज कर दिया था पहले के जितने भी निकाह शूट्स हो रहे हैं, जितने भी डांसेस हो रहे हैं अभी पिच, मतलब ये तो चीज चलो सामने आ गई है इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई है, लेकिन इससे पहले आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से सारे निकाह के अंदर और सारे जो शूट होते हैं उनमें भी मतलब यही कुछ चीजें होती हैं. अब ये चीज सामने आ गई है एक कैमरे के ऊपर तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा उस चीज को हाईलाइट कर दिया गया. लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है वो सामने आ गई है चीज, क्योंकि जो पुरानी खासतौर पे मस्जिदें हैं उनको हमने एक तरह से एक एंटीक बना के रख लिया अपने लिए, जहाँ पे ब्राइडल शूट्स हो रहे हैं, जहाँ पे निकाह हो रहे हैं और ये जो डिफरेंट वीडियोज है वो शूट हो रही है, विच इज नॉट गुड. तो अच्छी बात है कि ये चीज आई है और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मस्जिद की अथॉरिटीज हैं उनको इस चीज के ऊपर जो है वो देखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि वो इस चीज को जो है वो खत्म करें और इस वीडियो के साथ साथ जो निकाह शूट्स हैं वो भी इधर से जो है वो इसको मना करना चाहिए लोगों को कि वो भी इधर से खत्म कर दिए जाए. तो ओवरऑल जो है वो सॉन्ग तो हम लोगों ने आपको बता ही दिया कि हमें बहुत पसंद आया है. आप लोग हमें बताएं कमेंट्स के अंदर कि आप लोगों को ये गाना कैसा लगा है और सबा कमर की क्योंकि ये डायरेक्शन थी तो उनकी ये डायरेक्शन है. अभी 3-4 वीडियोस उनकी अपने चैनल पे भी आ चुकी हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने बनाई हैं, तो वो आपको कैसी लगी है और ये वीडियो आपको कैसी लगी है. बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं गाइज आप लोगों को ये वीडियो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा. अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट भी बताइएगा कि आप किस चीज पे रिव्यूज चाहते हैं या कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए बनाएं. तो गाइज आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.